नाम बता दीजिए हमको। कहाँ से आप? भी नाम बता दीजिए। आप भी पुरुलिया से आए हैं? पुरुलिया से आए हैं दोनों आप? पति पत्नी हैं? सर हमसे बात कीजिए थोड़ा सा। सर आपका हम थोड़ा नाम जानेंगे। मेरा नाम सुलभ बुदिया है। कहाँ से आए सर आप? मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया जिला से आया हूँ। वेस्ट बंगाल पुरुलिया से? सर आप तो दिव्यांग है और जयनगर रोटी बैंक में आप ये क्या कहते हैं इन लोगों को भोजन पानी परोस रहे हैं, कैसे आए जयनगर से बताइए आप? एक्चुअली मन से बचपन से ही सेवा का एक उद्देश्य था कि सेवा करूंगा बड़ा होके। बस इन लोगों की जो भूख है, इन लोगों की जो प्यास है वो टान के ले आती है इन लोगों के पास सेवा करने के लिए। और मैं जयनगर रोटी बैंक का धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे सेवा करने का मौका उन्होंने दिया। जयनगर रोटी बैंक ने आपको बुलाया है जी? चलिए फिर से नाम बोल दीजिए आप। मेरा नाम सुलभ बुदिया, मैं रोटी बैंक पुरुलिया से बिलोंग करता हूँ जी। धन्यवाद मैडम। आप कहाँ से आई है, नाम बताइए आप? उड़ीसा राउरकेला। उड़ीसा से आई है आप? जयनगर रोटी बैंक में अभी आप हैं मैडम, कैसे आई जयनगर में आप? मेरे भाई रोटी बैंक करता है पुरुलिया वेस्ट बंगाल, वहीं से। वहाँ पर रोटी बैंक की टीम आपकी है तो वहाँ से आप आई है आज जयनगर में रोटी बैंक में, उनका जो ये आयोजन है उसमें आप सम्मिलित होंगी। क्या नाम बताइए आप? सोनाली राजगढ़िया। मेरे हस्बैंड भी आए हैं। सर आप पति पत्नी दोनों आए हुए हैं और रोटी बैंक में अभी आप हैं, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? दो शब्द बोलिए आप। रोटी बैंक बहुत ही कई वर्षों से बहुत ही मतलब उचिंदा काम कर रहा है, मतलब रोटी बैंक की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। गरीब लोग घर कम से कम पेट भर के चैन से सो सकते हैं। इतना दूर से आप आए हैं सर यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, कैसा फील कर रहे हैं आप जयनगर में आकर के? बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड दैट रोटी बैंक इज सो पॉपुलर एंड नाउ इट इज बिकम सो, मतलब आई थिंक इट विल बी सो मतलब प्राउडेबल, मतलब होते जा रहा है पूरा इंडिया में, पूरा फेमस होते जा रहा है दिन ब दिन। जयनगर में आप पहली बार आए? हाँ जयनगर में अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए धन्यवाद आप दोनों को। सर आप लोग कहाँ से आए? जी मैं बिहार के बेतिया से आया हूँ। बेतिया से आए? नाम बता दीजिए आप। जी मेरा नाम कुश कश्यप हुआ। अभी आप जयनगर रोटी बैंक में है और बेतिया में आपका टीम है रोटी बैंक का जी? ये आप रोटी बैंक का गंजी? अभी हमारे रोटी बैंक बेतिया की टीम की ओर से पूरे 15 लोग यहाँ आए हैं कल के जयनगर रोटी बैंक जयनगर सम्मान समारोह में, और अभी हम लोग जयनगर के रेलवे परिसर में उपस्थित हैं। और जैसे कि हम भी अपने बेतिया में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं और यहाँ पर भी जैसे हम लोगों को देख कर सुचारू रूप से भोजन कराने का यह सिलसिला जारी है, इसके लिए हम अपने रोटी बैंक बेतिया टीम की ओर से पूरे जयनगर रोटी बैंक टीम को धन्यवाद देंगे कि इस अच्छे कार्य के लिए और इस सम्मान समारोह में हमें बुलाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपका सहयोग और साथ हम सब के साथ। नाम बोल दीजिए फिर। कुश कश्यप रोटी बैंक। सर आपका नाम? सोनू जायसवाल हुआ। बाबू आपका नाम? विनीत कुमार। आपका सर? पांडे नाम जी। सर आपका भी नाम जानेंगे थोड़ा सा। मेरा नाम राहुल जायसवाल हुआ। आप भी बेतिया से आए हैं जी? चलिए धन्यवाद आप लोगों को सभी को। लगातार करते रहना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैडम आपका थोड़ा नाम हम जाने? हाँ सर मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। कहाँ से आई है? रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आई है? अभी आप जयनगर रोटी बैंक के पास है जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब ये मिथिला की पावन धराओं के लिए तो शब्द नहीं है जी। हर जगह रोटी बैंक चल रहा है सर, पर यहाँ की कुछ बात अलग है और मैं इस चीज के लिए यहाँ के जितने भी टीम मेंबर हैं जो जुड़े हैं जयनगर रोटी बैंक से उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि कल 2100 पूरे दिन कर लिए, 6 वर्ष पूरा हो गया है और ये सेवा आगे भी ऐसी सबके थ्रू चलते रहना चाहिए सभी के। फिर से नाम बोल दीजिए। पूनम अग्रवाल। पूनम अग्रवाल मैडम आपका भी नाम जानेंगे आप। नमस्कार मेरा नाम कनिका अग्रवाल है। कहाँ से आई है आप? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर से आई है? कितने लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से? हम लोग दो ही लोग आए, दोनों सिस्टर हैं, वो बड़ी दीदी है और मैं छोटी बहन। ये रोटी बैंक की सेवा में कितने दिनों से लगे हुए हैं आप? हम लोग को भी करते हुए 4-5 साल हो गए। 4-5 से वहाँ कर रहे हैं? 4-5 साल से वहाँ कर रहे हैं। अभी आप जयनगर में हैं? अभी हम जयनगर में हैं। तो दो शब्द बोल दीजिए जयनगर के लिए। जयनगर के लिए जितना बोले उतना कम है, शब्द नहीं है बोलने के लिए, पर ये पावन धरा है, जितना यहाँ पे सुकून और अच्छा लग रहा है ना आके और ये सब देखकर बहुत एकदम दिल प्रफुल्लित हो जा रहा है यहाँ। जयनगर पहली बार आए हैं जी? पहली बार। फिर से नाम बोल दीजिए। कनिका अग्रवाल। कनिका अग्रवाल सर।
देवेंद्र प्रताप सिंह, आप सभी को प्रणाम। कहाँ से आए हैं सर आप? हम अयोध्या धाम से। अयोध्या धाम से आए जी। सर अभी आप रोटी बैंक जयनगर में हैं? रोटी बैंक अयोध्या धाम। अभी आप जयनगर रोटी बैंक में हैं सर जी। तो दो शब्द हम आपसे सुनेंगे सर। जयनगर रोटी बैंक बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आके बहुत बड़ी एकता अखंडता का परिचय मिला हमको। हम चाहेंगे ऐसे ही चलता रहेगा तो जयनगर नहीं है विश्व में अपना नाम रोटी बैंक का। अयोध्या में आप रोटी बैंक चलाते हैं जी? अभी पहली बार जयनगर में आप आए? जयनगर पहली बार। कैसा लगा जयनगर? कैसा लगा जयनगर का? बहुत ही अच्छा प्रकोप था। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार था। हम चाहेंगे ऐसे ही अखंडता और एकता बनाए रहें, ये भारत में नहीं विश्व में अपना नाम रोटी बैंक का बनाएंगे। सर आपका थोड़ा नाम जाने हम? जी सर, मेरा नाम ओमकार नाथ पांडे है। कहाँ से आए सर? अयोध्या से, प्रभु राम के नगरी से। आप दोनों आदमी अयोध्या से आए हुए? तीन लोग हैं। तीन लोग हैं जी के चरणों में आए और दर्शन किए हमारे सौभाग्य में। और हमारे रोटी बैंक, जयनगर रोटी बैंक के लिए दो शब्द बोल दीजिए। हमारी रोटी बैंक की वो चाहे जहाँ की हो, मेरे भारत के कोने कोने क्यों है, वो हमारे अंग हैं, हम उनके साथ हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेन मकसद है मेरा कि अन्नपूर्णा माता का बर्बादी ना हो और ये कारवा जब तक रहे, रोटी बैंक ना रहे, चलती रहे। दीप शिखा जी, हम आपसे दो शब्द बात करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ जयनगर रोटी बैंक के कैंपस में, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे देश भर के लोग आए हैं। तो दो शब्द हम उन लोगों के लिए आपसे सुनेंगे। देखिए, ये जो रोटी बैंक है ना, ये एक अलग ही जुनून है। ये किसी भी चीज़ को करना बहुत आसान होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, लेकिन लगातार उस चीज़ों को कंटिन्यूसली करते रहना एक अपने जीवन में, जैसे कि आपका दिनचर है कि आपको सुबह शाम दोपहर खाना खाना है, अपना वर्क करना है, उसी तरीके से रोटी बैंक का काम। आपका हर काम, एक काम छूट भी जाए पूरे दिन का, लेकिन रोटी बैंक में जो भोजन देने का काम है प्रतिदिन, वो आप छोड़ नहीं सकते। इस काम को अपने जीवन में उतारना, इस तरीके के सेवा को उतार के, एक अन्नदान महादान माना जाता है, इस चीज़ को करना एक बहुत बड़ा कार्य है। और जिस तरीके से रोटी बैंक पूरे भारत के हर कोने में काम कर रही है, इसके लिए पूरे रोटी बैंक टीम बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जितने यहाँ पे सभी जगह से रोटी बैंक की टीम आई भी है, मैं तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपने कीमती वक्त में से निकाल करके यहाँ पहुँचे। जी थैंक यू। ओम प्रकाश जी, आज मैं देख रहा हूँ जयनगर रोटी बैंक के कैंपस में पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये लोग पधारे हुए हैं? जी, हम लोग का एक मकसद है, प्रथम सम्मेलन जयनगर में ऑल इंडिया लेवल पर हुआ है, कल होगा सर। कल सम्मेलन है जी सर, वार्षिकोत्सव बोलेंगे उसको। हाँ, वार्षिकोत्सव बोलेंगे। कितना साल हुआ? पूरा ऑल इंडिया लेवल में रोटी बैंक का सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन जी, और साथ में है हमारे देश पड़ोसी देश नेपाल का भी है, तीन चार गो टीम जो है। कितने दिनों से यह चल रहा है? 2 अक्टूबर 2018 से चल रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू दीदी। आप जयनगर की टीम? आप सर? प्रयागराज। आप सर? छपरा से। आप सर? समस्तीपुर। आप? पुधुलिया वेस्ट बंगाल। आप मैडम? रायपुर छत्तीसगढ़। आप? बगहा पश्चिमी चंपारण बिहार। आप सर? रामनगर पश्चिमी चंपारण बिहार। आप सर? जयनगर से। आप सर? जयनगर। आप? सोनपुर। सोनपुर हाजीपुर। आप सर? अयोध्या समस्तीपुर। सहरसा बिहार। आप सर? सहरसा। आप सर? झारखंड। आप सर? झारखंड बोकारो। मैडम, आप महिला है यहाँ पर, तो आपसे हम एक लाइन सुनेंगे। इतने सारे लोगों के बीच में आप खड़ी है वोटी बैंक के बैनर तले जी। तो दो शब्द आप बोल दीजिए बस। इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, और इसी को नारी शक्ति बोलते हैं। इतने लोगों के बीच में मैं ही एक महिला हूँ, और आप सबके सपोर्ट से ही आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, कोई आदमी खड़ा होता है यहाँ पर। रायपुर से आप आई जी? रायपुर। चलिए, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका थोड़ा हम नाम जाने? जी, रविशंकर उपाध्याय। कहाँ से आए सर? रोटी बैंक छपरा का मैं सेवा। छपरा की टीम से आप आए हैं?
तो अभी हमने सुना है कि आपको अमिताभ बच्चन की जो टीम है KBC कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए थे, क्यों उपस्थित हुए तो बताइए। रोटी बैंक परिवार की तरफ से रोटी बैंक छपरा को इनवाइट किया गया था जी। पूरे भारत में मतलब समाज सेवा में जो रोटी बैंक के क्षेत्र में अन्नदान के क्षेत्र में जो कार्य है उसमें उत्कृष्ट सेवा के लिए रोटी बैंक छपरा को आमंत्रित किया गया था, जिसमें एज ए टीम लीडर मैं मतलब वहाँ अपनी सहभागिता दी थी। तो वहाँ आपको किन किन लोगों से मुलाकात हुई? वहाँ पे स्वयं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी थे। अमिताभ बच्चन से मुलाकात आपकी हुई? जी बिल्कुल। उन्होंने क्या पूछा आपसे? उनका मेन इच्छा यही थी कि आखिर हम लोग काम कैसे कर पाते हैं नॉन स्टॉप रूप से, जो कि सेवा में निरंतरता है, इसके बारे में काफ़ी उत्सुकता के साथ उन्होंने जानना चाहा। और हमने बताया कि किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से हम लोग विगत 6 साल से, कहीं 5 साल से, मतलब रोटी बैंक का जो भी टीम है जहाँ की भी है, किस प्रकार से हम लोग सेवा करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने उनको बताया और उनको काफ़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने काफ़ी सराहना की थी रोटी बैंक की। तो रोटी बैंक के माध्यम से कौन बनेगा करोड़पति के महानायक से मिलने का आपको अवसर मिला? जी बिल्कुल। तो रोटी बैंक को आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए आप। रोटी बैंक एक परिवार है, रोटी बैंक परिवार है, और अभी समय में हम लोग भारत में काम कर रहे हैं, लगभग 8 राज्यों में हमारी टीम है। तो जिस प्रकार से हम लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं अन्नदान के क्षेत्र में, अन्य समाज सेवी भी जो भाई हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को हम बस यही संदेश देना चाहते हैं, एकजुट होकर के और सदैव से समाज हित में आगे बढ़ें और समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए काम करते रहें। फिर से नाम बोल दीजिए आप। रविशंकर उपाध्याय, रोटी बैंक छपरा। थैंक यू सर। आपका नाम जानेंगे थोड़ा? मेरा नाम रोशन मिश्रा हुआ। कहाँ से आए सर आप? मैं सहरसा से हूँ, सहरसा बिहार से। सर अभी आप रोटी बैंक जयनगर के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उपस्थित हैं आप, तो दो शब्द आपसे सुनेंगे हम। सबसे पहले माँ तारा की धरती, बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई की धरती से मैं माँ जानकी की धरती पे, पावन भूमि पे मैं पहुँचा हूँ। मैं जयनगर के सभी तमाम रोटी बैंक के साथियों और साथ साथ यहाँ के तमाम जनता और तमाम लोगों का मैं हृदय से इस्तकबाल करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और आज ये ऐतिहासिक दिन जो है ये इतिहास के पन्नों पे स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है, क्योंकि आज पूरी भारत से हमारे रोटी बैंक की पूरी साथी टीम हमारी पहुंची हुई है। और ये जो मौका मिला है, मैं इस मौका के लिए मैं जयनगर की पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय तल से अभिनंदन करता हूँ कि वो पूरे भारत को एक जगह वो समेट के ले आए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये कहते हुए मुझे आज काफ़ी गर्व होता है। ये हमारी टीम है, ये हमारा परिवार है और यही हमारा लक्ष्य है कि भारत में कोई भी भूखा न सोए। हंगर इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है उस स्थिति को सुधार किया जाए और हर तरह से हर युवाओं से मैं आकर्षित हूं।